देखो भाई एक बात मैं आपको बता दूं, यह फोन जो है ना बहुत ही अमेजिंग है आपके लिए। कैसे वो चलिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि यह फोन, ये कौन सा फोन है। ये फोन है जो है हमारा Redmi Note 10 Pro है। यह फोन मुझे बहुत ही अच्छा लगा प्राइस रेंज में, स्पेसिफिकेशन, फीचर में भी। इसको मैंने बहुत दिन से यूज किया है, लगभग 2-3 महीने यूज किया है। और यहाँ पर बैटरी ड्रेन टेस्ट तो नहीं किया हूँ अभी, चार्जिंग टेस्ट, कैमरा टेस्ट, रिव्यू, यहाँ पर सब कुछ दे चुका हूँ अपने चैनल पर, आप वहां पर विजिट करके देख लीजिएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं ना, ये इसका प्राइस जो है 16,000 है, और ये 16,000 में एकदम सटीक बहुत ही बेस्ट फोन है। मुझे ये फोन बहुत ही ज्यादा बेटर लगा। आखिर क्यों लगा ये चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए ये फोन इसलिए मुझे बेटर लगा क्योंकि देखिए 16,000 में यहां पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और सुपर एमोल्ड डिस्प्ले दे दिया जाता है, जो कि सुपर एमोल्ड डिस्प्ले बहुत ही बेहतर लगता है इस फोन में। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, मैं यहां पर पहले के ना Vivo Y15 यूज करता था, जिसका जो कि LCD डिस्प्ले था, वहां पर मजा नहीं आता था भाई LCD डिस्प्ले में। लेकिन जैसे ही मैंने इस फोन को परचेस किया, परचेस करने के बाद में यहां पर जब मैंने सुपर एमोल्ड डिस्प्ले में मूवीज देखना शुरू किया, फोन को रन करना शुरू किया, ब्राउजिंग करना शुरू किया, तो यहां पर यह फोन जो है बहुत ही बेस्ट लगा। क्योंकि भाई देखिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस हमें प्रोवाइड करता है। और सेकंड हम बात करें यहाँ पर कैमरा की, तो देखिए यहाँ पर गिनती पर मत जाइए कि 64 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल कौन सा कैमरा दिया गया है, गिनती पर मत जाया करिए। यहाँ पर क्या है ना कि इस फोन का कैमरा भी बहुत ही बेस्ट परफॉर्म करता है। इसकी भी मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, ये वाली वीडियो है, जाके इसको देख लीजिएगा। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर बैक कैमरा में भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। यदि देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या बैक कैमरे से वीडियो को शूट करना चाहते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा वीडियो शूट होता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा भी स्टेबलाइजेशन, यहाँ पर ना स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर फोन को ऐसे करके यहाँ पर कुछ शूट कर रहे हो ना, तो यहाँ पर अगर हाथ ज़्यादा हिल रहा है ना, तो यहाँ पर पता नहीं चलता है कि भाई यार यहाँ पर ज़्यादा शेक हो रहा है। ये बहुत ही बढ़िया फीचर दिया गया है इमेज स्टेबलाइजेशन का। और हाँ, वहीं पर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरे पे भी यहाँ पर वीडियो स्टेबलाइजेशन दिया गया है, जिसमें आप अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग के लिए ये फोन बेस्ट है। यहाँ पर यदि आप अपने फोन से ऐसे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो रिकॉर्ड करते ही आपका ये फोन जो है ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, बहुत ही स्टेबिलिटी आपका वीडियो प्रोवाइड करता है। वैसे फोटो की हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट कैमरे से हमने ये फोटो कैप्चर किया, कैसा लग रहा है वो हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और रियर कैमरे यानी बैक कैमरे की हम बात करें तो बैक कैमरे में हमारा जो है फोटो कुछ इस टाइप में प्रोवाइड करता है। देखिए आपको मैं आपको बता दूं, यहां पर कुछ YouTube चैनल वाले बताते हैं कि भाई ये फोन जो है अपडेट करने के बाद में डेड हो गया है, यानी कि बैटरी परफॉर्म सही से नहीं कर रहा है और कैमरा यहां पर सही से वर्क नहीं कर रहा है, कैमरा जो है ब्लर तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं यहां पर कुछ ऐसी बात नहीं है, मेरा यहां पर फोन जो है लेटेस्ट अपडेट है, तो यहां पर मुझे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है कि यहां पर हमारा बैटरी परफॉर्म अच्छा ना कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं भाई। ये फोन बहुत ही बेस्ट है, यहां पर बैटरी भी मतलब कि अपडेट करने के बाद में बैटरी का परफॉर्मेंस भी बेस्ट है, और वहीं पर मैं आपको बता दूं कैमरा का परफॉर्मेंस भी बेस्ट है, बैटरी सब कुछ इसमें बेस्ट है भाई। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि इसमें कुछ नहीं बेस्ट है, जब भाई कहने लायक है ही नहीं तो मैं यहाँ पर कहाँ कहूँगा। तो ये फ़ोन जो है बहुत ही अमेजिंग है। अगर मैं आपको बता दूँ 16,000 में अगर आप इस फ़ोन को परचेस करना चाहते हैं, यदि आपका बजट जो है 15,000-16,000-20,000 रुपये है, तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को परचेस करिए। एक बार फ़ोन को परचेस करने के बाद में जब आप इसको यूज़ करेंगे ना, तो आप कहेंगे कि हाँ भाई यार ये फ़ोन सच में अमेजिंग है मेरे लिए। और हाँ एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ना दो फीचर एक्स्ट्रा मिलते हैं फोन में, डुअल वीडियो का और ब्लॉगिंग मोड का। अब देखिए ब्लॉगिंग मोड का फीचर यह होता है कि जैसे कि देखिए मान लीजिए सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए ना, मैंने यहां पर एक वीडियो बनाया है, देखो यहां पर आप ये वीडियो देख लिए ना। अब इस वीडियो को आप सोचे होंगे कि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा होगा हमें यहां पर एडिटिंग करने में और बैकग्राउंड म्यूजिक डालने में और ये जो इफेक्ट लगाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ा होगा। तो मैं आपको बता दूं यहां पर कुछ नहीं मेहनत करना पड़ा है, इसमें ही एक ब्लॉगिंग का फीचर दिया गया है, जो कि आपका यहां पर केवल आपको क्या करना है, ब्लॉगिंग के फीचर पर क्लिक करके आपको केवल यहां पर सेगमेंट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में ऑटोमेटिकली आपको यहां पर शूट कर लेना है। शूट करने के बाद में ऑटोमेटिकली ये आपका एडिट हो जाएगा, बैकग्राउंड में म्यूजिक आ जाता है, ऑटोमेटिकली सिनेमेटिक इफेक्ट में हमारा ये वीडियो जो है बन जाता है। अब वहीं पर हम बात करते हैं डुअल वीडियो की, तो डुअल वीडियो का यह खासियत है कि देखें यहां पर
डुअल वीडियो का यह खासियत है कि आप फ्रंट कैमरा भी साथ में चालू कर सकते हैं, बैक कैमरा भी साथ में चालू कर सकते हैं, दोनों एक ही तरफ से वर्क करता है, फ्रंट कैमरा भी और बैक कैमरा भी दोनों ही वर्क करता है। यहां पर देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैमरा का परफॉर्मेंस कैसा है और ब्लॉगिंग मोड क्या होता है। देखिए ब्लॉगिंग मोड ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, जो भी व्यक्ति वीडियो रिकॉर्ड करता है, ब्लॉगिंग करता है और सिनेमेटिक इफेक्ट में वीडियो बनाना चाहता है, उसके लिए व्लॉग मोड जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। एक बात मैं आपको बता दूं, ब्लॉगिंग मोड की मेरी ये वीडियो है, जाके इसको देख लीजिएगा, और हमारा जो है कैमरा टेस्ट का ये वीडियो है, जाके देख लीजिएगा, तो यहां पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी देख लीजिएगा। यदि नहीं लिंक्स में डिस्क्रिप्शन से नहीं देखना है तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप वहां से देख लीजिएगा।